नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहां पर भी होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपने मेरा जो कल का वीडियो था वो जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको 5 योगासन बताए थे जो कि आप नित्य अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप इस लिंक पर जा सकते हैं और इस लिंक पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि योगासन, जब हम योगा में जो पोस्चर्स होते हैं, योगा के जो आसन होते हैं, वो जब हम कर लेते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम को किस तरीके से शुरू करें। तो प्राणायाम शुरू करने के लिए सबसे पहले आप किसी बराबर की जगह पर, जो कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, उस पर बैठें। अपने दोनों पैरों को पद्मासन में रख लें, हाथों को चिन मुद्रा में, आंखों को हल्के से बंद कर लें, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, और अपने सांसों पर ध्यान देते हुए जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे सांसों को अंदर की ओर भरेंगे और जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर निकालेंगे। डीप स्लो इनहेल एंड डीप स्लो एक्सहेल। हम अपना पूरा अवेयरनेस, हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। धीरे धीरे सांसों को अपने लंग्स में, थोड़ा सा सांसों को और भरते हुए अपने पेट तक और अपने अपर चेस्ट एंड शोल्डर्स तक पूरी हवा को भरें। तो इस तरीके से हम 10 से 15 बार तक धीमे धीमे लंबी गहरी सांसों को अपने अंदर लेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से करने से हमें हमारी सांसों पर कंट्रोल आएगा। हमारा जो मन इधर उधर जो भागता है, वो मन हम जब अपने सांसों पर केंद्रित रखेंगे तो हमारा मन भी इधर उधर के विचारों में नहीं उलझेगा और हमारी सांसों पर ही केंद्रित रहेगा। हमारा पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए हम अपने दाहिने हाथ को, अपने राइट हैंड को नासाग्र मुद्रा में रखेंगे। नासाग्र मुद्रा होती है जिसमें हम अपने राइट हैंड का राइट थंब अपने राइट नॉस्ट्रिल पर, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर अपने अजन चक्र, जो कि है हमारे माथे के बीचों बीच में, जहां पर हमारा आईब्रोज के बीच में, जहां पर हमारी नाक हमारे माथे से जुड़ती है, हमारी रिंग फिंगर हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर रहेगी। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सिर्फ लेंगे और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ेंगे। 8 से 10 बार हम सिर्फ अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर और सांसों को बाहर, हमारी राइट नॉस्ट्रिल पूरी तरीके से बंद रहेगी। 10 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और सेम वे में धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अपने राइट नॉस्ट्रिल से अंदर और धीरे धीरे सांसों को बाहर। शुरुआत में हम 10 से 15 बार तक अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और सेम वे अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर और सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। हमारा दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हम अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को नासाग्र मुद्रा में रखेंगे, जिसमें हम अपने थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर अजन चक्र, और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खुला रखेंगे। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस को पूरी तरीके से बाहर, हमारे लंग से, हमारे पेट से, हमारे सीने से पूरी हवा बाहर। फिर अपनी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। ध्यान रहे कि हमारी आंखें ऊपर की ओर, जहां पर हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर रखी हुई है, वहां पर ही केंद्रित रहे। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर एक नॉस्ट्रिल से और दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। तो जब हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है। जब हम अपने लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे राइट साइड का ब्रेन एक्टिवेट होता है। इसके बाद हमारा तीसरा प्राणायाम होगा कपालभाति। कपालभाति के लिए हम बिल्कुल आराम से सांस को अंदर लेंगे पर फोर्सफुली अपने पेट से, अपने लंग से पूरी तरीके से सांसों को
बाहर की ओर पुश आउट करेंगे। तो बिल्कुल आराम से सांस को अंदर लेना है मन में ध्यान रखते हुए 10 से 15 बार हम एक राउंड में कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं, अपने सांसों को लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस है इसको तेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बिल्कुल शांति से आराम से अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए जितना धीरे धीरे सांसों को अंदर ले सकते हैं उतना धीरे धीरे सांसों को अंदर और जितना धीमे धीमे हो सके उतना धीमे धीमे सांसों को बाहर। ध्यान रहे हमारे इनहेल और हमारे एक्सहेल का टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। आंखें हमारी ऊपर की ओर हमारे अजन चक्र पर जहां हमारा माथा हमारे नाक से जुड़ता है। प्राणायाम की समाप्ति हम हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए करते हैं, जिसमें हम अपने ईश्वर को पूरे मन से पूरे भाव से धन्यवाद और अपने आगे के कार्यों के लिए आशीर्वाद मांगते हुए समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो प्राणायाम के ऊपर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो को फॉलो करने के बाद इस वीडियो को उसके साथ में फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद एंड टेक केयर।